अरे क्या हो गया भाई, निकाल इसको। अरे नहीं, अब की बार पूरी स्पीड के साथ में ऊपर चढ़ रहा है ट्रैक्टर। अरे यार, ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हर बार चढ़ने के लिए, लेकिन ये ट्रैक्टर आराम से ऊपर चढ़ रहा है। अब की बार हॉलैंड को देखते हैं, स्पीड मरा रही है पूरी। अरे नहीं, फिर से रुक गया कल। दिक्कत कहाँ आ रही है, रास्ता भी अब पहले से ठीक हो गया है, बेहतर हो गया है। भाइयों, जब ये टीला बड़ा हो जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे इसको तैयार होने में, पूरी प्रॉपर अपने खेत की मिट्टी निकालने में 2 से 3 फीट यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, 1.5 से 2 फीट, तब ये जो टीला है इसकी हाइट और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, 20 फीट तक इसकी हाइट हो जाएगी। तब देखेंगे कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा ट्रैक्टर आपको ज़्यादा बेहतर लगा। और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक पेज को फॉलो करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ट्रैक्टर और खेती किसानी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अरे यार, फिर से रुक गया। इस ट्रैक्टर का हर बार का हो गया ये, यहाँ पर आके रुक जाता है, फिर धीरे धीरे क्लच लगा लगा के इसको बाहर निकालना पड़ता है। बाकी इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, आराम से निकल गया। टायर साइज सेम है, 14 और 28 के टायर है दोनों ट्रैक्टरों में, लेकिन थोड़ा कमजोर लग रहा है उसे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और दिखा देते हैं आपको, सोनालिका रफ टफ ट्रैक्टर है, हर काम में ऑलराउंडर है। आप इसको डोली कराव में, बड़े बड़े ट्रॉलों में मिट्टी ढोते हुए, और जो नाली पटने वाली मशीन है उसके ऊपर, थ्रेसर पे, खेत की जुताई में, मतलब हर काम जो खेती का है वो करने में यह ट्रैक्टर सक्षम है। सोनालिका के सभी ट्रैक्टर ऑलराउंडर ट्रैक्टर हैं, आप किसी काम में इसको जोड़ दीजिए, कभी निराश नहीं करते हैं। अरे क्या हो गया भाई, निकाल इसको। नहीं निकला है, अब की बार थोड़ा पीछे रुक गया है ट्रैक्टर, आगे बड़ा मुश्किल निकलेगा। दो तीन बार आगे पीछे करने के बाद ये ट्रैक्टर निकलता है हर बार। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।